और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन दोनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मंत्री तोमर ने उस कथित पत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने रीट्वीट कर प्रदेश सरकार पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस के समय में खुद उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र से आम आदमी के विकास के लिए चला रुपया सिर्फ 15% ही जनता तक पहुंच पाता था, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, जहां उनके राज्य में 85 से 75% कमीशन चलता था। ये चुनावी वक्त में ही उन्हें याद आया? चुनाव से पहले उन्हें क्यों नहीं याद आया? चुनाव से पहले उन्होंने कथा क्यों नहीं कराई? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग तो 5 वर्ष कथाएं कराते हैं, भागवत कराते हैं, पूजा करते हैं, इनको चुनावी वक्त में ही राम याद आता है? मैंने क्या कहा, ये तो कौन है, ये अपने आप सिद्ध हो रहा है। हम तो हर वक्त हर समय जनता जनार्दन के बीच रहते हैं।